लोहरदगा राष्ट्रीय उच्च पथ कुड़ू से घाघरा तक के सड़क चौड़ीकरण में दोनों ओर नाली का निर्माण होना है, जो कि काफी घटिया निर्माण बदस्तूर जारी है। जबकि जिला प्रशासन की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी इस मामले पर उपायुक्त महोदय ने संज्ञान लिया था और कल की बैठक में भी जिला के उपायुक्त महोदय ने नाली निर्माण को सही ढंग से करने का निर्देश जारी किया था, पर इसको धत्ता बताते हुए एनएच के पदाधिकारी और संवेदक घटिया नाली निर्माण को जारी रखे हुए है। कस्तूरबा स्कूल के समीप दो दिन पहले नाली की ढलाई की गई और उस पर जब आज वाइब्रेटर चलाया गया तो नाली की दीवार क्रैक हो गई, जिसको प्लास्टर करके लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको आम जनता ने रोक दिया और वहां के लोगों ने मांग की है कि सही ढंग से नाली का निर्माण किया जाए। सामाजिक विचार मंच जिले के उपायुक्त महोदय ने निवेदन करती है घटिया निर्माण को तत्काल रोका जाए और नाली निर्माण की जाँच करते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। लोहरदगा जिले में कुड़ू से घाघरा तक राष्ट्रीय उच्च पथ चौड़ीकरण का निर्माण हो रहा है, सड़क के दोनों ओर नाली का भी निर्माण होना है। नाली निर्माण काफ़ी घटिया हो रहा है। आज की घटना है कि न्यू रोड में दो दिन पहले नाली का ढलाई किया गया था और आज ही नाली पूरी धस गई, जिसके कारण वहाँ के नागरिकों ने काम बंद करा दिया। इससे पूर्व भी साइडिंग के पास में इसी तरह की घटना हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले के उपायुक्त महोदय भी इस मामले पर संज्ञान ले चुके हैं। कल की बैठक में भी उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि नाली निर्माण में सुधार किया जाए, लेकिन एनएच के अधिकारी और संवेदक मिलकर घटिया निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक विचार मंच ये मांग करती है कि सड़क निर्माण और नाली निर्माण को रोकते हुए पूरी जाँच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।